लाल परी का जादुई सिलाई मशीन। गंगापुर नामक गांव में आराध्या अपनी माँ के साथ रहती थी। आराध्या की एक बहन भी थी जिसका नाम सृष्टि था। आराध्या के पिता शिवलाल की मृत्यु काफी समय पहले ही हो गई थी। आराध्या की माँ कौशल्या लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह से अपने घर का गुजारा किया करती थी। कौशल्या बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती थी। तभी एक दिन कौशल्या के पास कुछ मनचली लड़कियां कपड़े सिलवाने आती है और कौशल्या से कहती है, आंटी मुझे एक गाउन सिलवाना है जो कि पहनने पर बिल्कुल आलिया भट्ट की तरह लगे। ठीक है बिटिया, मैं बना दूंगी, लेकिन उसके लिए पूरे 1500 रुपए लगेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे लेस और कैन अलग से लाने पड़ेंगे और गाउन बनाने में मुझे मेहनत भी तो करना पड़ेगा। अरे आंटी इतना ज्यादा, मैं आपको पूरे 1000 दूंगी। अगर सिलना है तो सिल दो, वरना मैं दूसरे के यहाँ दे दूंगी। ये आपके बगल वाली आंटी तो 1000 रुपए ही लेती है। आप मुझे कपड़ा वापस दे दो, मैं किसी दूसरे के यहाँ से सिलवा लूंगी। कोई बात नहीं बिटिया, तुम मेरी बेटी के समान हो, मैं तुम्हारे लिए 1000 रुपए में ही बढ़िया गाउन सिल दूंगी। ठीक है। इतना बोलकर रूही वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब रूही गाउन लेने आती है तब कौशल्या ने उसका गाउन खराब कर दिया। यह कहकर रूही कौशल्या को बहुत सुनाती है, अरे आंटी ये आपने क्या कर दिया, कितना गंदा गाउन सिला है आपने, इसमें तो मैं बिल्कुल भी आलिया भट्ट की तरह नहीं लग रही हूँ और ना ही आपने इसे अच्छा सिला है। अच्छा तो सिला है बिटिया, अब तुम्हारी शक्ल आलिया भट्ट की तरह नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है। बकवास बंद करो अपनी, एक तो इतना गंदा गाउन सिला है, उल्टा मेरे से ही बोल रही हो, अब मैं इसके कोई भी पैसे नहीं दूंगी। लेकिन बिटिया इसमें जो मेरे खर्च लगे हैं वह तो दे दो, मेरी मजदूरी के पैसे मत देना। कुछ नहीं मिलेगा, एक तो तूने मेरी ड्रेस की ऐसी तैसी कर दी, अब और मैं तुम्हें पैसे दूं? मैं तुम्हें एक पैसे नहीं दूंगी। और हाँ मुझे मेरा गाउन दो, मैं जा रही हूँ। यह बोलकर रूही गुस्से से गाउन लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी रूही की फ्रेंड शीतल बोलती है, अरे रूही आंटी ने तो इतना बढ़िया गाउन सिला है फिर भी तूने उनको पैसे नहीं दिए, बल्कि तू तो उनको इतना सुनाकर भी आ गई। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, यही तो दिमाग है, तुम बिल्कुल नहीं समझोगी। अब चलो जल्दी पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं, कहीं हम दोनों लेट ना हो जाए। अच्छा तो मैं समझ गई, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें सिलाई के लिए पैसे दिए थे वो तुमने पहले ही खर्च कर दिया है, अब तुम उन्हें पैसे कहाँ से देती। हाँ हाँ ठीक है, अब चल। इधर कौशल्या को पैसे नहीं मिलने से वो बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और ना ही उसके पास पैसे थे। अपनी माँ को उदास देखकर आराध्या अपनी माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ आप इतनी उदास क्यों हो। फिर कौशल्या आराध्या को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद आराध्या बोलती है, माँ आप मुझे भी अपने साथ दुकान पर ले जाया करो, इससे आपके कामों में थोड़ी बहुत मदद भी हो जाएगी और कोई आपसे यूं पैसे ठककर और बदतमीजी करकर नहीं जाएगा। ठीक है बिटिया, कल से तू भी मेरे साथ दुकान पर चलना। उसके बाद आराध्या भी अपनी माँ के साथ दुकान पर जाने लगती है। कुछ दिनों बाद रूही फिर से दुकान पर आती है और कपड़े देते हुए बोलती है, आंटी इस कपड़े का मेरे लिए एक अच्छा सा लहंगा बना देना, और हाँ इस बार ये खराब मत करना वरना मैं इस बार भी इसके कोई पैसे नहीं दूंगी। रूही यह बोल ही रही थी तभी आराध्या अपनी माँ को बोलती है, अच्छा तो ये वही लड़की है जो बिन पैसों के कपड़े सिलवाती है। ओए रुक जा लड़की, पहले 1000 रुपए निकाल फिर यहाँ लहंगा सिलवाना। ओए क्या बदतमीजी है और किस बात की तुम 1000 रुपए मांग रही हो। अच्छा तो तू भूल गई, बहुत कमजोर याददाश्त है तुम्हारी, तुमने जो गाउन सिलवाया था उसके पैसे कौन देगा, ये तुम्हारी बाप की दुकान है जो मुंह उठाकर बिना पैसों के कपड़े सिलवाने आ जाती हो। ओए लड़की तमीज से बात कर वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई। और हाँ आंटी यह लहंगा मुझे परसों किसी पार्टी में पहनकर जाना है तो टाइम से सिल देना। और हाँ इस बदतमीज लड़की को क्यों रख लिया है, हटाओ हटाओ इसे, यह बहुत बदतमीजी करती है। बदतमीज मैं हूँ या तू है। और हाँ पहले तू 2000 रुपए दे फिर तेरा ये लहंगा सिलेगा। 2000 किस बात की, तू पागल हो गई हो क्या। पागल तू है, 1000 पहले वाले गाउन का और 1000 इस लहंगे का,
समझी? रूही और आराध्या की इसी बात पर बहस हो जाती है। दोनों की बातें इतनी आगे बढ़ जाती है कि रूही गुस्से में आराध्या की माँ का सिलाई मशीन तोड़ देती है और बोलती है, ले सिल ले तू कपड़े। तू मेरे कपड़े नहीं सिलेगी तो आज से तू किसी के भी कपड़े सिलने के लायक नहीं रहेगी। इतना बोलकर रूही वहाँ से चली जाती है। तभी आराध्या की माँ बोलती है, हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया। अब मैं अपनी रोजी रोटी कैसे चलाऊंगी। एक ही तो सिलाई मशीन का सहारा था, अब वह भी हमसे छिन गया। इसलिए मैं तुम्हें दुकान पर लेकर नहीं आती थी बेटी। अब पर गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक। ना ही पैसे आए, ना ही कुछ और, मशीन भी टूट गई। अब मैं नई सिलाई मशीन कहाँ से लाऊंगी। सब तेरी वजह से हुआ है। हे भगवान, अब मेरा घर कैसे चलेगा। आराध्या यह सब सुनकर दुखी मन से दुकान से निकलकर नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और बोलती है, हे भगवान, इन सब में मेरी क्या गलती है। पैसे ही तो मांगी थी मैंने, वो भी मेरी माँ की मेहनत के पैसे थे और यह सब हो गया। हे भगवान, हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम मैं अपनी माँ को नई सिलाई मशीन कहाँ से लाकर दूँ। प्लीज भगवान जी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी वहाँ पर एक लाल परी हवा में उड़ते हुए जा रही थी। आराध्या को रोता हुआ देखकर लाल परी उससे बोलती है, क्या हुआ आराध्या, तुम इतनी उदास क्यों हो। घबराओ नहीं, मैं लाल परी हूँ। तुम्हें अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बता सकती हो। आराध्या उसके बाद लाल परी को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद लाल परी कहती है, आराध्या उदास मत हो, सब कुछ ठीक होगा। तुम सब अच्छे और नेक दिल इंसान हो और परियां हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती है। इतना कहकर लाल परी वहाँ पर एक जादुई सिलाई मशीन प्रकट करती है और आराध्या से बोलती है, आराध्या ये लो, ये एक जादुई सिलाई मशीन है। इस मशीन पर कपड़े खुद से डिजाइन होकर सिल जाएंगे। और हाँ, अब से जो कोई भी सिले कपड़ों के पैसे नहीं देगा, यह मशीन उसकी खूब पिटाई भी करेगा। अब तुम खुशी खुशी यह जादुई सिलाई मशीन लेकर अपने घर जाओ। क्या क्या सच में लाल परी जी, यह एक जादुई मशीन है। हाँ आराध्या, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाल परी जी। आराध्या जादुई सिलाई मशीन लेकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से लाल परी की सारी बातें बताती है। उसकी माँ जादुई सिलाई मशीन देखकर बहुत ही खुश होती है। जादुई सिलाई मशीन पर अब कौशल्या को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती थी। वह जैसे ही कपड़े सिलने के लिए कपड़े काट कर रखती, वह खुद ही डिजाइन होकर तैयार हो जाता। उसके सिले हुए कपड़े बहुत ही यूनिक और अच्छा होता था। अब सभी लोग कौशल्या को खुशी से एक्स्ट्रा पैसे देकर जाते थे और आसपास के सभी गांवों से अब लोग कौशल्या से ही अपने कपड़े सिलवाते थे। धीरे धीरे जब यह बात रूही को पता चलती है, तब उसकी फ्रेंड शीतल उससे बोलती है, रूही तुम्हें पता है कौशल्या आंटी जैसा टेलर इस मार्केट में नहीं है। क्या गजब के कपड़े सिलती है यार, मैं तो अपना सूट और ड्रेस उन्हीं से सिलवाती हूँ। ये तो क्या कह रही है, उस गरीब भिखारिन के पास दोबारा से सिलाई मशीन खरीदने के पैसे कहाँ से आए। मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद रूही अपनी फ्रेंड शीतल के साथ कौशल्या की दुकान पर जाती है। रूही जैसे ही दुकान पर पहुँचती है, उस जादुई सिलाई मशीन में से एक डंडा निकलकर रूही की खूब पिटाई करने लगता है। तभी रूही बोलती है, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे कौन मार रहा है। अरे मत मारो, कोई बचाओ मुझे, मेरी क्या गलती है। अरे कोई रोको इसे, मुझे क्यों मार रहे हो, प्लीज छोड़ दो, बचा लो। तभी जादुई सिलाई मशीन में से आवाज आती है, जल्दी से कौशल्या के पैसे वापस कर, वरना हम तुम्हें यूं ही पीटते रहेंगे। ठीक है, मैं कौशल्या आंटी के सारे पैसे अभी देती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये लो आंटी जी अपने पैसे और मुझे माफ कर दो, और अब मैं किसी के भी पैसे नहीं मारूंगी, मुझे माफ कर दो आंटी जी। इतना कहकर रूही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कौशल्या और आराध्या दोनों माँ बेटी खुशी खुशी जादुई सिलाई मशीन के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगती है। सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल।
पायल एक अनाथ लड़की थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा काली, नाटी और बदसूरत थी, लेकिन वह बहुत ही मेहनती और दयालु स्वभाव की थी। पायल मंदिर के आगे सुबह और शाम को फूल बेचती और दिन में स्कूल जाया करती थी, लेकिन पायल की बदसूरती और छोटे कद की वजह से स्कूल के सारे बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे। क्लास में तो टीचर के डर से सब शांत रहते थे, लेकिन बाहर आते ही पायल को सब काली नाटी कहकर खूब चिढ़ाते थे, जिस वजह से पायल अक्सर उदास रहा करती थी। एक दिन पायल जब स्कूल जा रही थी, तभी उसी गांव की दो लड़कियां मिलती है। अरे ये काली नाटी कहाँ जा रही है? अरे काली बंदरिया, तू पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? मेरी मान तो तू सिर्फ फूल ही बेचा कर, ये पढ़ाई लिखाई तेरे काम की चीज नहीं है। तभी वहाँ काव्या नाम की एक लड़की आई। वो पायल के पड़ोस में ही रहती थी। वो बहुत ही अमीर थी, जिस कारण उसे पैसों का बहुत ही घमंड था। वह पायल का हमेशा ही मजाक उड़ाया करती थी। तुम लोग इसे ऐसा मत बोलो, अगर इस काली को गुस्सा आ गया तो हम सबको बहुत मारेगी। ए नाटी, हमें मारेगी? अरे इसे अपनी साइज देखिए क्या, इतनी सी तो है, एक हाथ में तो धूल चाटती फिरेगी, आई बरी मारने वाली। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। यह सुनकर पायल को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए घर चली जाती है। भगवान जी, आपने मुझे क्यों ऐसा बनाया? अब मैं काली और छोटी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? जिसे देखो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, आखिर क्यों? क्या मुझे जीने का हक नहीं? क्या मैं बाकी लड़कियों की तरह हंस नहीं सकती, स्कूल नहीं जा सकती? इस तरह हर दिन लोगों के मजाक उड़ाने की वजह से पायल अंदर से टूट जाती है और वह घर से निकलना तक बंद कर देती है। यहाँ तक कि उसने स्कूल जाना, खाना पीना तक भी बंद कर दिया। पायल को कई दिनों से मंदिर के सामने फूल नहीं लगाते देख पायल की मुंह बोली फूलमतिया बुआ चिंता में पड़ गई। ये पायल को क्या हुआ है? कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? बेचारी सबकी कितनी मदद करती है, बड़ी भली बच्ची है, भगवान ना करे उसके साथ कभी कुछ बुरा हुआ हो। यह सोचकर बुआ पायल से मिलने उसके घर आती है और पायल को बहुत उदास देखती है तो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, क्या हुआ पायल बिटिया, आजकल तो मंदिर में फूल लगाने नहीं आती हो, ना ही घर से बाहर निकलती हो, क्या बात है बेटी? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। बुआ क्या बताऊँ, मैं इतने दिनों से सब कुछ चुपचाप सहती आ रही हूँ, लेकिन अब और नहीं बुआ, अब मुझसे ये सब और नहीं सहा जाता, अब मैं काली और नाटी हूँ तो तुम ही बताओ बुआ, क्या ये मेरी गलती है? हर कोई मुझे काली बंदरिया, नाटी, बौनी, जाने किन किन नामों से बुलाते हैं। पहल बेटिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटी, तुम तो ईश्वर की बनाई हुई अनमोल बच्ची हो, तुम्हारा दिल बहुत ही निर्मल है, तुम दिल की बहुत ही खूबसूरत हो, और खूबसूरती सिर्फ बाहरी सौंदर्य से नहीं बल्कि आत्मा से होता है, और तुम्हारी आत्मा बहुत ही पवित्र है। लोगों की बातों का बुरा मत मानो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन बुआ स्कूल की लड़कियां भी मुझसे बात नहीं करती, बुआ अगर मैं भी सुंदर होती तो मेरी भी बहुत सारी सहेलियां होती, मुझे तो लगता है मैं इतनी काली और बदसूरत हूँ इसी वजह से मेरे माँ बाबा भी मुझे अकेले छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ऐसी बातें नहीं करते बेटी, तुम्हारे माँ बाबा तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, वो तो बदकिस्मती से वे लोग हादसे का शिकार हो गए। बेटा सुंदरता कोई मायने नहीं रखता, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, और तुम्हारा दिल तो सोने जैसा है, चलो अब रोना बंद करो, ये देखो पुजारी जी ने तुम्हारे लिए क्या भिजवाया है, मिठाई, अब चलो उठो और जल्दी से मिठाई खा लो। अरे वाह बुआ, मिठाई तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, बुआ
अगले हफ्ते मंदिर में पूजा है। मेरे पास एक भी नए कपड़े नहीं हैं और मैं सोच रही हूँ इस बार अपने साथ गांव के कुछ गरीब लोगों के लिए भी नए कपड़े ले आऊं। अरे वाह, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती बेटा। ऐसे ही खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहा करो। अगले दिन पायल बाजार से अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा और कुछ कपड़े खरीदती है। बिंदिया बाकी के कपड़े गांव के गरीब लोगों में बांट देती है और लास्ट में अपने लिए खरीदा हुआ लहंगा लेकर घर जा रही होती है। तभी वह देखती है कि एक लड़की फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर भीख मांग रही थी। उसके कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे। वह लोगों से भीख मांग रही थी। पायल को उस पर बहुत दया आती है। अरे ये बेचारी के कपड़े कितने फटे हुए हैं, क्यों ना मैं इसे अपना लहंगा पहनने के लिए दे दूं? यह सोचकर पायल उस लड़की के पास जाती है और उससे बोलती है, सुनो तुम ये लहंगा पहन लो। मैं ये कपड़े तो पूजा में पहनने के लिए लाई थी, लेकिन इन कपड़ों की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है और तुम यहाँ भीख क्यों मांग रही हो? दीदी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। ऐसा नहीं बोलते बहन, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर पायल उसे अपने घर ले आती है। अब जाओ बहन, जल्दी से ये लहंगा पहन लो, फिर पूजा में चलते हैं। तभी वो लड़की एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। यह देखकर पायल हैरान रह जाती है। पायल घबराओ नहीं, मैं परीलोक की मीनाक्षी परी हूँ। मुझे रानी माँ ने पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों की परीक्षा लेने के लिए भेजा है, ताकि मैं नेक और दयालु लोगों को अपने परीलोक की तरफ से खास जादुई तोहफा भेंट कर सकूं। मुझे तो लगा कि इंसानों की बस्ती से अब इंसानियत खत्म ही हो गई है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम वाकई में बहुत अच्छी और नेक दिल लड़की हो, इसीलिए मैं यह तोहफा तुम्हें दे रही हूँ। इतना कहते ही परी अपनी जादुई छड़ी से एक सोने का लहंगा और चांदी की सैंडल प्रकट करती है। ये लो पायल, ये सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल तुम्हारे लिए है। इस लहंगा और सैंडल को पहनते ही तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो इस लहंगे को पहनकर मांग लेना, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। पायल जादुई सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। पायल खुशी खुशी सोने का लहंगा और चांदी का सैंडल पहनती है। लहंगा पहनते ही पायल बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और सैंडल पहनते ही उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। यह देखकर पायल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। थैंक यू परी जी, आपने मुझे इतना सुंदर बना दिया। पायल खुशी खुशी फूलमतिया बुआ के पास गई। बुआ, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे पायल बेटी, तुम तो बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो। ये तुम्हारा रंग रूप अचानक कैसे बदल गया? बुआ, ये सब परी का दिया हुआ जादुई सोने का लहंगा और चांदी के सैंडल का कमाल है। देखो ना बुआ, इसे पहनते ही मैं कितनी सुंदर हो गई और साथ ही मेरा कद भी बढ़ गया। धन्य है भगवान, तू किसी न किसी रूप में भला करने वालों का भला करने आ ही जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। अब धीरे धीरे पायल के घर की सारी परेशानी और गरीबी दूर हो गई। अब उसे जो भी चाहिए होता वह जादुई सोने का लहंगा और चांदी के सैंडल से मांग लेती। साथ ही पायल गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगी। एक दिन की बात है, वह गरीबों को खाना और कपड़े बांट रही थी। तभी वहाँ पर काव्या अपने कुछ सहेलियों के साथ आई और पायल का बदला हुआ रंग रूप देखकर बुरी तरीके से जल भुन गई। ये काली कलूटी नाटी भैंसी इतनी सुंदर कैसे हो गई? कल तक तो इसके पास खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और आज ये महारानी गरीबों को खुद खाना खिला रही है। आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे पता तो लगाना होगा। काव्या इस सच्चाई का पता लगाने के लिए चोरी छुपे पायल पर नजर रखने लगती है और आखिरकार काव्या को जादुई सोने का लहंगा और चांदी के सैंडल के बारे में पता चल ही जाता है। अच्छा, तो ये सब इस जादुई सोने का लहंगा और चांदी के सैंडल की वजह से हो रहा है।
इसी की वजह से यह इतना ज्यादा हवा में उड़ रही है। मैं ये जादुई लहंगा और सैंडल इस मनहूस से छीन कर रहूंगी। और फिर उसी रात काव्या जादुई सोने का लहंगा और चांदी के सैंडल को चुराने के लिए दबे पांव उसके घर पहुंच जाती है और जादुई सोने का लहंगा और सैंडल को चुराकर अपने साथ अपने घर ले आती है। और घर आकर वह उस जादुई सोने के लहंगा और सैंडल से बोलती है, जादुई लहंगा और सैंडल मुझे ढेर सारा रुपया दो। काव्या के इतना कहते ही उस जादुई लहंगा और सैंडल में से रुपया की जगह सांप और बिच्छू निकलने लगते हैं। यह देखकर काव्या बहुत ही ज्यादा डर जाती है और गुस्से से बोली, अरे ये क्या, ये लहंगा और सैंडल तो मेरे किसी काम का नहीं है, ये तो पैसे देने की जगह सांप और बिच्छू दे रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस लहंगा और सैंडल को यहीं जला देती हूँ। काव्या जैसे ही उस जादुई लहंगा और सैंडल को जलाने की कोशिश करती है, वैसे ही वह लहंगा और सैंडल एक विशाल रूप ले लेती है। ए लड़की, तू मुझे जलाना चाहती है? आज तू मेरे हाथों से नहीं बचोगी। मैंने आज तक तुझ जैसी लालची और घमंडी लड़की नहीं देखी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस पायल से बदला लेना चाह रही थी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलकर जादुई सोने का लहंगा काव्या को एक आंख से हमेशा के लिए अंधा बना देता है। जब तू अपने इन दोनों आंखों से किसी की अच्छाई नहीं देख सकती हो तो तेरे लिए एक आंख ही काफी है, समझी? आइंदा से किसी को भी परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो सिर्फ मैंने तुम्हारी एक आंख फोड़ी है, बाद में दोनों ही फोड़ दूंगी। इतना बोलकर वह जादुई लहंगा और सैंडल पायल के पास वापस चली जाती है। काव्या उस दिन के बाद से पूरी तरह सुधर जाती है। अब वह कभी किसी को परेशान नहीं करती और पायल अपने जादुई लहंगा और सैंडल के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।